हेलो मेरे प्रारंभिक विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो बच्चा फटाफट जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं सारे बच्चों को ये इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि भैया हम लोगों ने जो है डीएनए ब्लॉक पढ़ा हुआ है। भैया डीएनए ब्लॉक का जो लैंथेनाइट संकुचन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, या फिर बच्चे एक्टिनाइट खंडा पढ़ेंगे तो एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। सिंपल सी बात है भैया, लैंथेनाइट संकुचन और एक्टिनाइट संकुचन हम लोगों ने जबरदस्त तरीके से जो है पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है। और ये लेक्चर बच्चे क्या होने वाला है, दूसरा पार्ट होने वाला है। और यहाँ हम लोग आपको यहाँ पे बात करने वाले हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी बोर्ड में पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा फटाफट जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे भैया चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा डीएनए ब्लॉक के बारे में बात कर रहे थे। इसके जो पहला वाला लेक्चर है बेटा, जो फर्स्ट पार्ट है, उसको जो है सारे बच्चे एक बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे देख के आएगा, क्योंकि अगर वो पार्ट अगर आपने समझा होगा तभी जाके ये लेक्चर पे जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके बोर्ड में आए हैं ऐसे क्वेश्चंस जो करने वाले बेटा, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर जो बच्चा पहले से बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा होगा तो बच्चे उसको तो समझ आना ही आना है। तो चलिए बच्चा फटाफट जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं भैया, मतलब कि हम जो सीधा क्वेश्चंस के ऊपर जो है फाइट करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ बेटा, ठीक है, एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। वो चीज कौन सी है, अगर भैया हमारे पास अगर डी ऑर्बिटल है, मान लो, समझ लो भैया, मान लो, क्या समझ ही लो, ठीक है। देखो हमारे पास क्या होता है बेटा, एक डी ऑर्बिटल होता है। इस डी ऑर्बिटल में कितने हैं भैया, 1, 2, 3, 4, 5 सेल होंगे। और इस सेल के अंदर, इस डिब्बे के अंदर हमको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है बेटा, एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है। और ये हमने पढ़ा हुआ है कक्षा 11वीं के अंदर ही कि भैया हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले एक एक डब्बे के अंदर एक-एक जो है भैया ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, और उसके बाद बच्चे वहां पे उसका युग्मन होता है, उसका पेयरिंग पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले एक-एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और उसी प्रकार यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होना स्टार्ट होता है। अगर हमारे पास डी ऑर्बिटल तो इसके में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चा, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। अगर मैं एस की बात करूंगा तो एस में कितने बच्चा, एस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जो है पी में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सॉरी 3 नहीं 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार एफ में बटा, एफ में क्या होता है हमारे पास जो है 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 डब्बे होते हैं, 7 से 7 जो है ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सारी बातें फंडे जो है आपको बचपन से ही क्लियर होगी, क्योंकि भैया आप तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो भैया, ठीक है, आप तो केमिस्ट्री कर ही रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो ही होगी पहले से ही बच्चे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि भैया जब हमारे ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर पेयरिंग कंडीशन में नहीं रहता, मतलब कि भैया ऐसे युग्मन नहीं हुआ रहता, अगर सिंगल रहता तो हम उसको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे होते हैं भैया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोल रहे होते हैं। अगर हमारे जो है परमाणु के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, तो वो जो है क्या होता है, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। क्या बच्चा, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। और मैंने आपको जो है चैप्टर नंबर जब हम कर रहे थे फर्स्ट ही कर रहे थे, चैप्टर नंबर जो पहला था ठोस अवस्था, वहां पे मैंने आपको भैया उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया हुआ था कि कोई भी हमारा सॉलिड होता है, कोई भी एटम होता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब वहां पे अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, ऐसे कुछ टर्म्स के बारे में आपको याद आ रहा होगा। तो ऐसे टर्म्स के बारे में वहां पे हम लोग बात किए हुए, तो बच्चे ये बात आपको याद आ रही होगी। और बच्चे मैं यहां पे और जो फटाफट थोड़ी देर के रिवाइज कर देता हूं, जहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब वो अकेला रहेगा, सिंगल रहेगा, ठीक है, अकेला रहेगा, सिंगल रहेगा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग क्या बात कर रहे होंगे, वो जो है परमाणु क्या है, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। क्या बच्चा, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, ठीक है। अब अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा बच्चा, अनुचुंबकीय जो प्रकृति का होता है तो वो क्या होने वाला है, वो हमेशा जो है रंगीन होने वाला है। वो जो मेटल होगा या फिर भैया जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, रंगीन होगा। अब रंगीन में कोई भी रंग हो सकता है बच्चा, ठीक है, मेटल की प्रॉपर्टी के हिसाब से रंगीन हो सकता है। तो यहां पे बेटा ये क्या होने वाला है, वहां पे कलर मिलने वाला है। अब चल बच्चे फटाफट जो है हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर अटैक करते हैं भैया, कि आखिर हम जो क्वेश्चंस क्या करने वाले हैं। और मैंने आपको बच्चे पहले ही बता चुका हूं कि लैंथेनाइट संकुचन और एक्टिनाइट संकुचन जो है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे वो तो करके ही जाना है। और वो मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करा दिया था, मैंने बच्चे आपको बोला था कि लैंथेनाइट संकुचन कैसे होता है, सेम उसी फंडे के हिसाब से एक्टिनाइट संकुचन होता है, ठीक है बच्चा। तो इसके बाद हमको यहां पे क्वेश्चन दिख रहा है भैया, क्या क्वेश्चन दिख रहा है, जो कि हमारे 2022 में आया हुआ है तीनों सेट के अंदर। तो ये क्या पूछता है, लैंथेनाइट आखिर क्या होता है बेटा, लैंथेनाइट जो होता है आखिर क्या होता है, वो पूछ रहा है संकुचन के बारे में नहीं पूछ रहा, ध्यान से समझना, वो संकुचन के बारे में यहां पे नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ पूछ रहा है लैंथेनाइट क्या होता है, लैंथेनाइट इसको पृथक करना कठिन क्यों होता है,
इसको अलग करना कठिन क्यों होता है। तो ये यहाँ पे जो है बातें की गई। और यहाँ पे दूसरा जो बेटा क्या है, क्या बात कर रहा है, Fe2+ चार्ज व Fe3+ चार्ज में परमाणु की जो संख्या, प्लस और माइनस के चार फंडे कहाँ पे यूज होते हैं, जहां पे हमारा जो एटम जो होता है, जो परमाणु होता है, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, तब नेगेटिव चार्ज आता है, क्या बेटा, तब नेगेटिव चार्ज आता है। और जहां पे हमारा परमाणु, हमारा एटम या फिर एलिमेंट, वो क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है तब वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई, Fe3+ चार्ज कहने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। Fe2+ कहने का मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Fe2+ Fe3+ का फंडा क्लियर है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा दोनों में अधिक अनुचुंबकीय कोण होगा, ये यहाँ पे फंडे बात की गई। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया भैया कि अनुचुंबकीय का मतलब क्या होता है, वहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, वहां पे ही अनुचुंबकीय प्रकृति जो है पाई जाती है एटम की। तो ये सारी बातें अपन ने बात की हुई है। अब देखो भैया इसको लिखते कैसे है, सबसे पहले लैंथेनाइड का आंसर लिख लेते कि भैया हमारा जो ए है, सॉरी आ है, ठीक है, लैंथेनाइड आखिर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया बच्चा कि हमारा जो ग्रुप नंबर, क्या बोल सकते हैं, ब्लॉक जो डी होता है, डी ब्लॉक होता है, उस डी ब्लॉक में 5D जो होता है बेटा, क्या होता है, 5D और 6D वाला, ठीक है, 5D सीरीज और 6D सीरीज मैंने बताया हुआ है। कौन कौन सा भैया, 5D सीरीज और 6D सीरीज, देखो ध्यान से मैं आपको वापस से आवर्सानी करके दिखा देता हूँ, कहाँ पे आवर्सानी भैया, ये हमारा आवर्सानी। अब देखो यहाँ पे आपको पता ही चल रहा होगा बच्चे, ध्यान से देखते रहना, ये देखो ये हमारा क्या था बेटा, ये हमारा था 3D सीरीज और ये था हमारा 4D सीरीज, ये था मेरा 5D सीरीज और ये था मेरे प्यारे बच्चों 6D सीरीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिर्फ लैंथेनाइड के बारे में पूछा गया। तो लैंथेनाइड हमारा क्या होता है बेटा, 5D सीरीज होता है और क्या करता है, वो लैंथेनम से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज या फिर लैंथेनम सीरीज, ठीक है बच्चा। तो उसको हम बोलेंगे लैंथेनम सीरीज। और इसके अंदर बच्चे क्या होता है, सीजियम से लेकर, ठीक है, हाँ, और इसके अंदर बेटा एटॉमिक नंबर जो है 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट आते हैं, मतलब ओवरऑल बच्चे यहाँ पे 14 एलिमेंट आ रहे होते हैं लैंथेनम सीरीज के अंदर। तो बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ पे हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर, देखो बच्चा दूसरा पेन ले लेते हैं अपन, दूसरा पेन कहने का मतलब दूसरा कलर का ले लेते हैं यार, देखो ठीक है, ये 58 से लेकर 71 तक के जो होंगे एलिमेंट, हम उसको बोलेंगे लैंथेनम सीरीज, ठीक है। और ये सीरीज कहां से आया रहता है, इस 57वें एलिमेंट से आया रहता है, मतलब लैंथेनम ही हमारा क्या होता है बेटा, 57 नंबर का जो एटॉमिक नंबर जो है होता है बेटा, क्या मतलब एलिमेंट होता है, क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये सीरीज आपको जो है बहुत जबरदस्त तरीके से पता होगा। और ये संकुचन कैसे करता है, इसके बारे में तो मैंने बात किया हुआ है, तो उसको जो है आपने वर्ड में बच्चा फटाफट जो है गजब तरीके से लिखना है। और कैसे लिखना है, लैंथेनम सीरीज जो होता है वो क्या होता है, 5D सीरीज के अंदर आता है। और ये जो है एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 58 से बेटा क्या होता है, 71 तक के होते हैं। और इसके अंदर जो है टोटल 14 एलिमेंट आ रहे होते हैं, इस तरीके से अपने वर्ड में इसको लिख लेना है बच्चा, ठीक है, एकदम इजी है कि नहीं भैया, ठीक है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, देखो इसको लिखते कैसे, मैंने आपको यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके बताया कि कैसे लिखना है इसको। अब देखो बच्चे यहाँ पे लैंथेनम में क्या होता है, 57 के बाद आने वाले 14 तत्व, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भैया, लैंथेनाइड कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s ऑर्बिटल में भरते हैं। लैंथेनाइड समूह जो है एसी से लेकर क्या होता है बेटा, ल्यूटेरियम, ठीक है, मतलब जो हमारे एटॉमिक नंबर 71 होता है वहां तक क्या होता है बेटा, लैंथेनाइड संकुचन के कारण रासायनिक, ये सारी चीज आपको पता है यार, ये सारी चीजें आपको पता है, कैसे उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उसमें भौतिक परिवर्तन होता है, उसमें संकुचन कैसे होती है, वही सारी चीजें आपको लिख देना है बस एग्जाम के अंदर, क्लियर है, गजब तरीके से क्लियर होगा, सारे बच्चों को समझ में आया भैया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, देखो यहाँ पे कैसी बात करते हैं, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था बेटा, दूसरा जो क्वेश्चन क्या था, Fe2+ चार्ज और Fe3+ चार्ज में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा दोनों में अधिक जो है क्या हो रहा है बेटा, अधिक जो है अनुचुंबकीय प्रकृति का कौन होता है। तो यहाँ पे आपको आंसर में क्या लिखना है बच्चा, आपको पता है कंफर्म, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, हाँ बच्चे। तो आपको क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि यहाँ पे Fe2+ चार्ज और Fe3+ चार्ज के बारे में बात कर रहा है कि भैया Fe2+ चार्ज और Fe3+ चार्ज में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसमें कौन सा एलिमेंट होगा वो अनुचुंबकीय होने वाला है, अधिक अनुचुंबकीय होने वाला है, इसके ऊपर बात कर रहा है। तो उसको लिखते कैसे बेटा, देख मैं पहले आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। ये हमारा जो Fe होता है वो क्या होता है, 3D सीरीज का एलिमेंट होता है बच्चा, 3D सीरीज मैंने आपको बताया हुआ है क्या चीजें होती है, ये 3D सीरीज, इस 3D सीरीज का क्या होता है बेटा, वो एलिमेंट होता है। और एलिमेंट क्या होता है भैया, एटॉमिक नंबर उसका होता है 26, मतलब 26 होता है, ठीक है बेटा, 26 होता है। अब यहां पे बात किसकी की गई है, 26
ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। लेकिन बच्चे यहाँ पे बात किसकी गई की गई है, देखो Fe2+ चार्ज के बारे में बात की गई, मतलब यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब निकले बेटा तो क्या होगा, यहाँ पे जो आर्गन था मैंने फटाफट लिख दिया, आर्गन को पता ही भैया इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 18 होता है, तो हमने 18 का जो है एलिमेंट भर दिए। ऐसा जब लिखते हैं तो अपन भर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है भैया, 4s2 हो गया 18 2 20, और होता है भैया 3d 4s2 3d, अरे क्या हो रहा है ये, हाँ 3d 3d6। तो बच्चे अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे 26 नहीं यार, अपन ने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, 20, हाँ 26 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपन ने भर दिए, ठीक है, 3d6 ही होता है, ठीक है। अब 3d6 होता है क्या, करे यार इंसान है भूल जाते हैं कभी कभी, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या होता है, 4s2 3d6 होता है। अब मेरे बच्चे यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ 4s2 2d6, अब दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब दो इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे बेटा तो ध्यान से समझो, दो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कि कहां से दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेरे को एक बार इन्फॉर्म करो बेटा, एक बार जबरदस्त तरीके से मेरे को बता दो, दो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे। सारे बच्चे आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो कि भैया दो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, 4s2 से निकलेंगे कि 3d6 से निकल रहा होगा, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, ये सारे बच्चे पहले कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे। बहुत गजब का क्वेश्चन बेटा आपको एग्जाम्स में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है, कहां से निकलेगा बताओ बच्चे, ठीक है। अगर ये समझ में आएगा तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो बच्चा 4s2 हुआ, 3d6 हुआ, अब आपको यहां से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है इस सीक्वेंस में होता है, सॉरी स्ट्रक्चर जो होता है इस सीक्वेंस में रहता है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। जो हमारा आउटर सेल होता है, जो आखिरी सेल होता है, जो आखिरी सेल होता है बेटा, उससे ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है निकलता है या फिर एड होता है, ये अपन को पढ़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन डी सीरीज के अंदर हमको पता चल रहा है भैया कि 4s2 मतलब ये तो हमारा 4s2 यहां पे है 4s2, लेकिन 3d6 तो यहाँ पे, लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से निकलेगा बेटा, 4s2 से निकल जाएगा, कहां से निकलेगा 4s2 से। मैं यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकालता हूं 4s2 के, क्यों निकाल रहा हूं इसके पीछे का रीजन आपको पता चलेगा, क्योंकि ये हमारा आउटर सेल है और आउटर सेल के ही हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 4s0, क्या हो जाएगा बच्चा 4s0, ठीक है, 4s0 हुआ, मतलब इसके आउटर सेल में यहां पे जीरो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है। इसी प्रकार हम जब देखें तो 3d6 हमारा जो है क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं d के अंदर, जो है छह इलेक्ट्रॉन जो है आने वाले। अब इसको हम लोग ऑर्बिटल्स में रिप्रेजेंट कर देता हूं फटाफट, देखो ये मेरा d है, d के अंदर कितने डिब्बे बेटा, 5 डिब्बे, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स होने वाले, 5 डिब्बे होने वाले। इसमें फील्ड कैसे होता है, देखो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये इस तरीके से अपन ने पढ़ा हुआ, हुंड के नियम में अपन ने पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जब फील किए हैं तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन फील, जो छठवां इलेक्ट्रॉन होगा उसका पेयरिंग होगा, क्या होगा बेटा, छठवां इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग, जब पेयरिंग होता है इस तरीके से पेयरिंग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गए, क्लियर है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गए। अब बात करते हैं Fe3+ चार्ज के बारे में, Fe3+ चार्ज के बारे में, देखो Fe3+ चार्ज में क्या हो जाएगा, सिंपल फंडा है, सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। Fe2+ चार्ज का सेम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 26, इसका भी तो एटॉमिक नंबर 26 ही होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, आर्गन मैंने फिल कर दिया, अब Fe4s2 3d6 होगा कि नहीं होगा बेटा, 4s2 3d6 होगा कि नहीं होगा, 100% होने वाला, ठीक है, सेम फंड जैसे तो इसका भी होने। अब बच्चे मैंने आपको वापस से वही फिनोमिना बताया कि भैया जो आउटर सेल्स होंगे वहां से दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे किस जगह से, Fe2+ चार्ज के केस में, लेकिन Fe3+ चार्ज के केस में दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब समझ में आया, अब हमको समझ में आ गया सर कि जो Fe2 जो है यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो भैया यहां से जब दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कहां से निकलेगा, उसके इनर वाले सेल से, मतलब कि सिंपल बात है, जब मैंने 4s2 से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए, तो इसके नीचे जो सेल होगा बेटा यहां से एक इलेक्ट्रॉन लाजमन से बात है निकलेगा ही, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो वहां से बच्चा हमने निकाल, देखो यहां से 4s0 लगा दिया यहाँ पे, 0 इलेक्ट्रॉन बच्चा, और 3d के अंदर 3d जो है यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि हमने यहाँ 3+4 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, सिंपल सी बात, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले। अब बच्चे इसको हम लोग ऑर्बिटल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, देखो कैसा होता है डिब्बे में रिप्रेजेंट करने के बाद, 1 2 3 ये 4 और ये 5, ठीक है, ये 5 है। अब देखो वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन जो हमारा 3d था वहां पे बचा था 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे बचा 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फील होगा, कुछ इस तरीके से फील होने वाला है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ठीक है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए हम लोग क्या देखते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखते हैं, मतलब भैया आपको पता चल गया कि Fe2+ चार्ज के अंदर, Fe2+ चार्ज के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या होने, क्या दिखी अपन को, 4 दिखी, और इसमें
ऐसी 3+ चार्ज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है आपको दिख रही है बेटा, कितनी दिख रही है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको साक्षात यहाँ पे दिख रहे बेटा, ये 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहां पे किसी भी प्रकार की पेयरिंग नहीं है, मतलब यहाँ पे बेटा क्या होने वाला है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। ये बेटा 5 है ठीक है, 5 है ऐसा नहीं है ठीक है, कई बच्चे ऐसे समझ जाएंगे तो भेजे इसको अच्छे से अपन लिख लेते हैं, ये हमारा 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। मतलब मेरे को ये बता दो बच्चे कि 4 बड़ा कि 5 बड़ा, तो 5 बड़ा डेफिनेटली, तो भैया इसमें अनुचुंबकीय प्रकृति किसकी ज्यादा होने वाली है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, जिसकी जो है अनुचुंबकीय प्रकृति ज्यादा होगी, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो ज्यादा होगी, उसकी जो प्रकृति होगी वो ज्यादा अनुचुंबकीय होने वाली है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है बेटा, Fe3+ चार्ज हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप लोग सारे बच्चे लिख लेना कि Fe2+ और Fe3+ चार्ज में हमारा जो Fe3+ चार्ज ये क्या होने वाला है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाला है, पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय, ठीक है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाला है, ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को, गांव गजब तरीके से समझ में आया होगा। चलो बच्चा फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे किसकी बात करते हैं अपन जो है, ठीक है, संक्रमण तत्व जो होता है अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं आखिर क्यों, ये हमारा आप क्वेश्चन में आया हुआ है, 2009 में आया बेटा, 2020 के अंदर भी आया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो संक्रमण तत्व होता है वो अंतरकाशीय रिक्ति, संक्रमण तत्व मतलब जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उसी को ही संक्रमण तत्व बोल रहे होते हैं, क्लियर है बच्चे को, ठीक है। अब देखो संक्रमण धातु में जो क्रिस्टल जारक होते हैं उसमें अंतरकाशीय रिक्तियों में उच्च दाब पर क्या होता है बेटा, धात्विक तत्वों के क्या होते, छोटे परमाणु, जैसे हमारा जो हाइड्रोजन होता है, बोरॉन होता है, कार्बन नाइट्रोजन आदि, ये आसानी से क्या होते हैं, ठीक जम जाते हैं बेटा, ठीक है, ठीक से जम जाते हैं। अब बच्चे लैंथेनाइट संकुचन के बारे में बात करते हैं, भैया देखो ये हमारा जो है एग्जाम्स में बहुत ही बार पूछा गया बेटा, लैंथेनाइट आखिर संकुचन क्या होता है, देखो मेरे प्यारे बच्चे लैंथेनाइट संकुचन क्या होता है, लैंथेनाइट संकुचन के कारण कारण था उसका परिणाम बताइए, कुछ इस तरीके से आपके बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 2018 19 21 ठीक है, और इससे आने वाले जो साल में भी एक डेफिनेटली पूछ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया, लैंथेनाइट संकुचन या फिर एक्टिनाइट संकुचन क्या होता है आपको एक्सप्लेनेशन देने आ जाएगा, मैंने आपको बताया बार बार, ठीक है। देखो इसको लिखते कैसे बेटा, लैंथेनाइट संकुचन, लैंथेनाइट में जो परमाणु क्रमांक होते हैं बेटा वो क्या होता है, बढ़ने के साथ उनके परमाणुओं का जो आकार होता है उसमें कमी होने लगती है। लैंथेनाइट संकुचन आखिर होता क्या चीज़, वापस से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जिससे चीजें आपको जो है और ज्यादा रिलेटेबल और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखते हो बेटा फटाफट देखते हैं लैंथेनाइट संकुचन कैसे होती है, ठीक है। तो हाँ बच्चे लैंथेनाइट सीरीज के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनने के बाद ध्यान से समझना सारी चीजों को, कैसे कैसे इसको जो एग्जाम्स में लिखते हैं, कैसे इसको जो है एक्सप्लेनेशन देना होता है उसके बारे में बता देता हूँ, तब जाके बेटा हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि इसको लिखना कैसे, इस तरीके से भी आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले हाँ सबसे पहले बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ही ले लो, चलिए ठीक है, बहुत जबरदस्त स्क्रीनशॉट ले लिया अब सारे बच्चे। अब देखो ठीक है, आपको मैं एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ बेटा, आप लोग इसको ध्यान से सुनना और सुनने से ही सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, ठीक है बच्चे, क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो लैंथेनाइट जो होता है बेटा वो क्या होता है, ग्रुप सॉरी ब्लॉक की बात करूं तो ब्लॉक डी के अंदर आता है, डी ब्लॉक के अंदर आता है बेटा। डी ब्लॉक में मैंने आपको जो है चार सीरीज के बारे में बताया भैया, पहला जो सीरीज होता है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, ये चीजें मैंने आपको बताई हुई है। 4D सीरीज तो अपन को सॉरी 3D सीरीज अपन को पता है, 4D सीरीज पता है, लेकिन 5D सीरीज में जब आते हैं बेटा तो उसमें एटॉमिक नंबर जो 57 होता है, 57 जो एलिमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनम, उस लेंथेनम के बाद से जो एलिमेंट आते हैं कितने तक, 71 तक जो एलिमेंट आते हैं, ठीक है, वो सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो होती है डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ मैच नहीं करती, उसलिए उसको अलग से ब्लॉक में, अलग से घर पे, अलग से जगह पे हम लोग रख देते हैं, उसको अपन नाम दे दिए ए ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है, ये सारे फंडे आपको क्लियर है। अब देखो ए ब्लॉक के जो एलिमेंट अपन ने उसका नाम दिया तो भैया उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी डेफिनेटली, ठीक है, वो सारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है, तो उसको हमने अलग से रख दिया। अब बच्चे वहां पे जो है फंडा क्या होता है संकुचन का, देखो ध्यान से, जब हम लोग क्या करते हैं आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो टॉप टू बॉटम आने के बाद बच्चे हमको ये पता चलता है, जब अपन जो है 3D सीरीज 4D सीरीज में आते हैं तो वहां पे जो हमारा परमाणु का जो आकार है, जैसे कि अपन को जो है इन जनरल पता है कि भैया टॉप टू बॉटम आने के बाद हमारा जो परमाणु का जो आकार रहता है वो बढ़ता जाता है, लेकिन जब 3D और 4D में हम करते हैं तो वहां पे बेशक बहुत बेहतरीन तरीके से परमाणु का आकार बढ़ता है, लेकिन 5D सीरीज में जैसे ही हम आते हैं, 5D सीरीज में जैसे ही हम आते हैं, ध्यान से देखो बच्चा मैं वापस से जाऊँ आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूं जिससे सारी चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर होगी। देखो बेटा ठीक है,
ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अब देखो ये मेरा 3D और ये मेरा 4D सीरीज। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आया बेटा 5D सीरीज के अंदर आया, 5D सीरीज में जब आया तो यहाँ पे जो रहा मेरा हाफनियम था, HF जो था, जिसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 72, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 72। जब मैं 72 का एटॉमिक रेडियस की बात करता हूँ, आकार की मैं बात करता हूँ, तो ये जो होता है 3D और 4D के जो है कंपैरिजन में छोटा रहता है। लेकिन होना क्या चाहिए था, ऊपर से नीचे आने पर जो परमाणु का आकार है वो बेटा बढ़ना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये इसका जो आकार होता है वो छोटा हो जाता है। इसके पीछे जब साइंटिस्ट लोग रिसर्च किए तो बेटा उसके पीछे का रीजन था लेंथेनाइड संकुचन। क्या था बेटा? लेंथेनाइड संकुचन, ठीक है, लेंथेनाइड संकुचन। अब ये संकुचन कैसे होता है इसको ध्यान से समझना, ठीक है, उसको ध्यान समझना, ठीक है। ये खैर जो मैं इसको आप बता चुका हूं लास्ट वाले लेक्चर के अंदर, इसको बेटा और वापस ध्यान समझ लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो लेंथेनाइड संकुचन में क्या होता है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 72 होता है। जब हम ऊपर से नीचे जिसका आकार छोटा होता है, अब क्यों छोटा होता है, इसके पीछे करीजन देखो कि भैया सपोज करो, मान लो भैया कि ये हमारा जो है लास्ट सेल है, ये मेरा लास्ट सेल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब ये 5D सीरीज के एलिमेंट है भैया, तो हमारे पास यहाँ पे 5D सीरीज होने वाला, एक बात याद रखना कि डी सीरीज के अंदर पहला जो आउटर सेल होता है बेटा वो क्या होता है, डी होता है, और नीचे में बेटा है 4S होता है, क्या बेटा, सॉरी यहाँ पे बेटा क्या होता है 4S सीरीज, ठीक है, 5S यहाँ पे होगा, एक बात करो यहाँ पे बेटा NS होगा, क्या बेटा NS, और यहाँ पे N-1 डी सीरीज होता है, क्या बेटा N-1 डी सीरीज रहता है। इस प्रकार से हमको पता चला। अब डी सीरीज की मैं बात करूं, मान लो यहाँ पे कुछ भी चीज आ रही है, ठीक है, हाफनियम की आ रही है, तो डी सीरीज के अंदर मतलब डी जो है ब्लॉक के अंदर, डी और डी सेल के अंदर जब हमारा जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, डी सीरीज के अंदर जो हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो आउटर सेल के जो आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको खींचने के लिए हमारा जो इफेक्ट लगता है, जो प्रभाव लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रभावी नाभिकीय आवेश, या फिर जब इफेक्ट बोल रहे होते हैं। अगर देखो वहां पे जो जफ इफेक्ट होता है आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा से खींचेगा, तो वो हमारा परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता है, ठीक है। अब छोटा हो जाता है, वहां पे छोटा तो होगा लेकिन भैया जो हमारे इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इनर सेल जो सेकंड लास्ट सेल हम बोल सकते हैं, ये इनर सेल क्या करता है बेटा, इस एज अ बॉडी गार्ड की तरह काम करता है, बॉडी गार्ड की तरह काम करता है। और मैंने बताया बेटा कि बॉडी गार्ड क्या काम करेगा, जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है इसको बचाने की कोशिश करेगा, ये आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है इसको बचाने की कोशिश करेगा। और अगर ये बॉडी गार्ड सही से काम कर रहा है, तो ये जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है वो बच जाएंगे और हमारा परमाणु का आकार जो है छोटा नहीं होगा। अगर ये बॉडी गार्ड सही से काम नहीं करेंगे तो बच्चे हमारा जो परमाणु का आकार है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है बेटा, समझ में आया। तो इस प्रकार से हमारा जो क्या होता है लेंथेनाइड संकुचन, उसी सेम फंडे को भैया मैंने आपको बहुत जबरदस्त तरीके से बेटा लास्ट वाले लेक्चर के अंदर, मतलब इसका जो पार्ट वन है वहां पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, तो बच्चे अगर वो लेक्चर देख ले तो ये जो क्वेश्चन है बेटा आपको बहुत जबरदस्त तरीके से लिखने आ जाएगा। चलिए बच्चे देखा फटाफट देखते हैं लेंथेनाइड संकुचन के बारे में बात कर लिए, ठीक है। ये जो कुछ इस तरीके से बेटा, इसकी पहले जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लिखते कैसे हैं सारे बच्चे। अब परिणाम के बारे में बात करते हैं बेटा कि आखिर लेंथेनाइड संकुचन होता है तो वहां पे क्या क्या रिजल्ट मिलती है अपन को, क्या क्या परिणाम मिलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। लेंथेनाइडों में गुणों में परिवर्तन हो जाते हैं, मतलब भैया क्या गुणों में परिवर्तन, लेंथेनाइड के कारण क्या होते हैं, उसके रासायनिक गुणों में बहुत परिवर्तन हो जाता है और अतः इसे शुद्ध, इन्हें सॉरी यहाँ पे देखो अच्छे से जो है स्पेलिंग लिख लेना बेटा, ठीक है। स्पेलिंग कहने का मतलब यहाँ पे मात्राएं में कुछ कुछ गलती हो सकती है, क्या करें भैया, टॉपिंग करते करते इंसानों से गलती हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पे अतः इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना अत्यंत क्या होता है बेटा, कठिन होता है। लेंथेनाइड संकुचन के कारण इसको जो है प्योर स्टेट में प्राप्त करना जो है कठिन हो जाता है, समझ में आया। इन तत्वों के गुणों का प्रभाव होता है, मतलब भैया इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में कुछ कुछ चेंजेस हो जाती है, इसी को हम लोग बेटा परिणाम के तौर पे जो है लेंथेनाइड संकुचन में लिख सकते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को, अगर स्क्रीनशॉट लेना बेटा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसको मैंने वैसे आप बच्ची मैंने इसको जो है अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्किप करते हुए चलता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है बेटा, ठीक है, हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी रहती है। हमारे पास भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारे पोर्शन अभी बाकी है करने, हमारे पास कम समय में बचा हुआ, उस कम समय में आपको इफेक्टिवली सारी चीज़ देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर किसी भी बच्चों को कोई भी अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है बेटा, वो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो अब यहाँ पे बात करते हैं कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए, कुछ इस तरीके से आपको एग्जाम्स के अंदर जो है क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा। यहाँ पे क्या बात करें, संक्रमण धातु जैसे उनके अधिकांश ये जो अनुचुंबकीय होते हैं, अब अनुचुंबकीय वाला फंडा आ गया यहाँ पे, क्या बेटा अनुचुंबकीय वाला फंडा आ गया। और मैंने बताया था कि जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे अनुचुंबकीय प्रकृति होगी और वो रंगीन प्रकृति का भी होगा, क्या बच्चा रंगीन होगा। अब कलर कौन सा होगा ये बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, रंगीन होगा ये आप लोग याद रखना,
ठीक है बच्चा, देखो वो मेटल मेटल पे क्या करता है, डिपेंड करता है कि भैया कौन कौन से कलर होने वाले, मैं बताऊंगा भी कलर के बारे में। फिर भी देखो भैया इसको लिखते कैसे हैं, संक्रमण धातु तथा उनके जो है अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, कुछ इस तरीके से अपन को लिखना होता है, संक्रमण धातु तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि उसके धातु के पास पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही अनुचुंबकीय प्रकृति होते हैं। अब बच्चे जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके कुछ एग्जांपल दे दिए, स्कैंडियम लिख लो भैया, आयरन, अभी मैंने आपको आयरन के बारे में बताया, Fe2+ और Fe3+ चार्ज के बारे में बताया, यहाँ पे स्कैंडियम का एग्जांपल भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो भैया क्या होता है, अनुचुंबकीय प्रकृति होती है और इसी कारण यहाँ पे भैया जब जो देखोगे डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में देखोगे तो वहां पे मैक्सिमम जो एलिमेंट होता है वो जो है अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। समझ में आया सारे बच्चों को, समझ में आया फटाफट? ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे भैया, कमेंट सेक्शन में जाके थम्स अप लिख देना, क्योंकि जिसको समझ आएगा वो थम्स अप जरूर लिख के जाएगा। ठीक है, अच्छा समझ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो संक्रमण धातु को हम लोग कणक इंथैल्पी का मान जो उच्च होता है, मतलब भैया सिंपल सी बात है, जो संक्रमण धातु होते हैं ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इनकी जो एंथैल्पी जो होती है वो ज्यादा होती है। अब इसके समझने के लिए बहुत और जो है शॉर्टकट तरीका बताता हूं, हमारे जो मैक्सिमम जो एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक के वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। क्या बेटा? मेटल होते हैं, जो कि हमको हमारे जो है क्या बोल सकते हैं, हमारे जो दैनिक जीवन में जो यूज करते हैं, जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, निकल, प्लैटिनम, गोल्ड, सोना, ये सारी चीजें वहीं पे ही तो मिलती है डी ब्लॉक के अंदर। तो हम जो इसको डेली बेसिस पे यूज कर रहे होते हैं और इन सारी चीजों की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है, उसको जो गलने की जो शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको इंथैल्पी भी क्या होने वाली बेटा, ज्यादा होने। तो कुछ इस तरीके से आप इसको रिलेट करके लिख सकते हो। देखो बच्चा क्या है, पे संक्रमण धातु की जो कणक एंथैल्पी का मान क्या होता है बेटा, उच्च होता है क्योंकि इसमें अंतर परमाणविक धात्विक जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है बेटे, ज्यादा बंद बनने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनएस के साथ साथ एन माइनस वन डी, सारे आप लिख सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको जो सिंपल वे में बताया वही आप लोग लिख सकते हो, इसको जो है आप इस तरीके से भी लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो बच्चे इसको एक्सप्रेशन कैसे देना है, हमारे जो डी ऑर्बिटल के एलिमेंट होते हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं, बहुत सर्वाधिक क्या होते हैं बेटा, धातु प्रकृति के होते हैं, और धात्विक प्रकृति के जो एलिमेंट होते हैं उनके बीच में जो बंध होता है, धात्विक बंध जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, हमको पता है। अब वो बंध ज्यादा स्ट्रांग होता है उसको तोड़ने के लिए भी ज्यादा शक्ति देनी पड़ेगी, इसीलिए तो इसका एंथैल्पी भी तो ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए इसका एंथैल्पी भी ज्यादा हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने जो है आंसर फ्रेमिंग कर सकते हो। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर होगा उम्मीद कर रहा हूं। अब बच्चे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फटाफट, देखो यहाँ पे किसकी बात कर रही है, संक्रमण धातुओं के लिए निम्नलिखित दो निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, क्या था बेटा, धात्विक लक्षण, अभी मैंने आपको बताया धात्विक लक्षण कैसे होती है, डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर धात्विक लक्षण जो होता है बहुत धात्विक जो एलिमेंट होता है या फिर धात्विक बंड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, मैंने अभी अभी बताया बच्चा। ठीक है, मिश्र धातु निर्माण, मतलब भैया आप लोगों को मिश्र धातु कैसे होता है, जो दो अलग अलग धातुओं को मिलाकर हम लोग जो तीसरा धातु का निर्माण करते हैं वही तो हमारा क्या होता है, मिश्र धातु होता है, सिंपल। तो उसका निर्माण कैसे होता है इसके बारे में पूछा गया है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था तथा परिवर्ती संयोजकता के बारे में पूछा गया है। ठीक है, देखो क्या होता है, धातु के लक्षण में बात करता हूं, तो सभी संक्रमण धातुएं जो होती है क्योंकि इसमें बाह्यतम कोष में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक या दो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं ये मैंने को बता दो बच्चा, क्योंकि हमको पढ़ा हुआ है कि जो आउटर सेल में एनएस इलेक्ट्रॉन होता है, एनएस मतलब एन के मतलब बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से, जो एनएस मतलब 1-2-2, मतलब जो आउटर सेल में एस इलेक्ट्रॉन ही होगा क्योंकि हमने Fe जो है Fe2+ अभी भी देखा था, तो वहां पे आउटर सेल में क्या था, 4s2 था और उसके बाद 3d6 कुछ इस तरीके से मेरे को दिखा था। तो आउटर सेल में क्या था बेटा, 4s2, आउटर सेल में 4s2 था तो ns मैंने लिख दिया। अब देखो इसको जब मैं देखा फिल किया तो मेरे को 1n-1d कुछ इस तरीके से एलिमेंट मेरे को फिल करना होता है, मतलब इसके आउटर सेल में ns इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनमें एक और दो इलेक्ट्रॉन ही फिल होते हैं जिसके ये आसानी से क्या होता है, त्याग कर देते हैं और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर सभी प्राय क्या होते हैं, कठोर तथा तन्य या आघात वर्धनी, ठीक है, आघात वर्धनी उच्च घनत्व तथा शेष जो है धात्विक चमक वाले होते हैं। तो कुछ इस तरीके से बच्चे आप लोग अपने एग्जाम्स के अंदर जो है आंसर का फ्लेमिंग कर सकते हो, कैसे इसको फ्रेम करना होता है, कैसे उसको लिखना होता है, इन सारी चीजों के बारे में वहां पे बात कर सकते हो। क्लियर सारे बच्चों को? चलो बच्चा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चे फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे यहाँ पे परिवर्ती ऑक्सीकरण तथा अवस्था के बारे में बात करते हैं, तो संक्रमण धातुओं में n-1d कक्षक जो ns कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता। मतलब मैंने क्या बोला बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे ये हमारा जो आउटर सेल है, ठीक है, ये हमारा आउटर सेल, सपोज करो ये हमारा आउटर सेल है और ये मेरा क्या है, 3D सीरीज है, 3D, और ये मेरा 4S, ठीक है, ये मेरा Fe के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, Fe के लिए, तो ये मेरा Fe है। अब बच्चे इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कहीं ज्यादा नहीं होगा,
कहीं ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा नहीं होता तभी तो ये बाद में लिखा जाता है, पहले 4s2 लिखा जाता है एरन के केस में, उसके बाद 3d6 लिखा जाता है, मतलब हमारा 4s2 का जो है फीलिंग जो होता है भरने के जो तरीके होते हैं वो पहले भरा जाता है उसके बाद 3d के अंदर जाता है, क्लियर है, 3d के अंदर जाता है। तो ये इनके बीच में जो डिस्टेंस रहता है, सेल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है बेटा, देखो संक्रमण धातु में n-1d कक्षक तथा ns कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता, जिसके कारण d व s दोनों कक्षों में इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। मतलब हम जो डी जो ऑर्बिटल होता है, सॉरी डी जो सेल होता है, ठीक है, डी जो सेल होता है उसका इलेक्ट्रॉन को भी संयोजी कोष की तरह ले सकते हैं या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की तरह ले सकते हैं, या फिर एन के जो है एनएस की जो है इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजी कोष की तरह ले सकते हैं, ऐसे यहाँ पे बात की गई है। देखो बच्चा, एक या एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, और मैंने आपको बताया बेटा ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसे होती है डी ऑर्बिटल के अंदर, मैंने आपको कन्फर्म किया हुआ है। अगर बिन बच्चों को दिक्कत होगा बेटा वो पहले वाला लेक्चर देख लीजिए फटाफट, देखो ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलिए बच्चा फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब लैंथेनाइड सीरीज की कुछ विशेषताएं होती है बेटा, ये तो बहुत दूसरी, ठीक है, बहुत छोटी सी, क्या है बेटा ये, हाँ, तो लैंथेनाइड सीरीज तो भैया बहुत छोटी सी बात है बेटा, यहाँ पे कुछ भी बात नहीं कि हम लैंथेनाइड सीरीज के बारे में पूरा ओवरऑल बात कर दिया और इसकी जो विशेषताएं लिखनी। सबसे पहले बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब बच्चे यहाँ पे देखो क्या बात कही, जो भी इसमें विशेषताएं होती, मतलब उच्च जो है इसकी चुंबकीय गुण होता है, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, इसमें जो है रंगीन प्रकृति का भी होता है, कैसे चीजें होती है, सारी चीज आपको एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। बाकी ओवरऑल चीजें मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, कोई भी यहाँ पे और डिस्कशन करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब मिश्र धातु के ऊपर बात करते हैं भैया कि मिश्र धातु क्या होता है, मैंने आपको बोला कि मिश्र धातु के बारे में बात करेंगे। देखो दो से अधिक धातु तथा अधातु के मिश्रण से ही मिश्र धातु बनता है, एकदम सिंपल सी बात है, बचपन का एग्जाम्पल है, ठीक है, बचपन का एग्जाम्पल, बचपन का डेफिनेशन है, क्या बात किया गया है, जो दो या दो से अधिक धातु या अधातु के मिश्रण से हमको मिश्र धातु बन रहा होता है, इसके गुणों में क्या होता है, जनक के जनक को लैंथेनाइट धातुओं की तुलना में अधिक कठोर होता है। मतलब भाई यहाँ पे जो लैंथेनाइट जो एलिमेंट होता है उसकी तुलना में यहाँ मिश्र धातु में जो एलिमेंट बने रहते हैं उनकी जो कठोरता होती है वो ज्यादा होती है, क्या बेटा, ज्यादा होती। तो यहाँ पे यही बात की है, उसकी कठोरता ज्यादा होती है, अत्यधिक गलनांक तथा अधिक संक्षारण प्रतिरोधी होते हैं, अत्यधिक कठोर रहते हैं वो, उसमें जो संक्षारण मतलब उसमें जो जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत कम होती है, क्या बेटा, ज्यादा होती है, ठीक है, प्रतिरोधी होते हैं। संक्रमण धातुओं की परमाणु साइज या फिर परमाणु आकार लगभग जो है समान होते हैं, अतः क्रिस्टली जालक में एक धातु परमाणु जो है दूसरे धातु परमाणु को आसानी से विस्थापित कर देता है। यहाँ पे भैया मतलब विस्थापन की जो प्रक्रिया होती है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोसेस रासायनिक अभिक्रियाएं जो है देखने को मिलती है कि इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर, समझ में आ सारे बच्चों को, डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर इतना हमारा जो है बहुत ही जबरदस्त चीजें रखी हुई है। अब भैया यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, क्रोमियम और निकिल के विलेख और हमारे बेटे क्रोमियम निकल का मिश्र धातु बनाया जाता है, ठीक है, क्रोमियम निकल का मिश्र धातु बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल आपको लिख देना एग्जाम्स के अंदर, फिर आपको जो है नंबर ही नंबर भाई, फिर आपके नंबर ही नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखो हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से हम पूरा चैप्टर खत्म कर दें, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। संक्रमण धातुएं प्रायः रंगीन यौगिक होते हैं या आयन क्यों बनाते हैं, क्या पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है, बताया ना बार बार, बताया ना बार बार, क्यों रंगीन यौगिक बनाते हैं, क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वो रंगीन यौगिक बना रहे होते हैं। देखो बच्चे उसी को लिखते कैसे हैं, संक्रमण धातु आयनों का रंग अपूर्ण रूप से भरे हुए n-1d कक्षकों के कारण होता है, मतलब डी ऑर्बिटल के अंदर डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो अपूर्ण रूप से भरे रहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी कारण क्या होता है बेटा उसमें जो है रंगीन प्रकृति पाई जाती है, रंगीन जो है यौगिक होता है, रंगीन कंपाउंड हमको प्राप्त होता है। देखो n-1d कक्षकों के कारण होता है, अतः संक्रमक धातुएं क्या होते हैं आयनों में जिसमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में संक्रमण होता रहता है, मतलब ट्रांजिशन होता रहा। मैंने आपको बताया भी हुआ है कि उसके इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन कैसे होता है, कि किस लिए उसको जो है ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया हुआ है। अब बच्चे इस संक्रमण में समय में दो दृश्य प्रकाश के कुछ विकिरणों का अवशोषण करते हैं तथा शेष विकिरणों को रंगीन प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। अब इसमें जो एलिमेंट होते हैं ना वो क्या करते हैं, कुछ जो विकर्ण होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से आ रहे होते हैं उन विकर्णों को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ को इमिट कर देता है, छोड़ देता है, तो
जिससे हमको जो रंगीन प्रकृति देखने को मिलती है, ठीक है, जिससे वो रंगीन प्रकृति देखने को मिलती है। अतः आयन का जो रंग होता है उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक या फिर कॉम्प्लीमेंटरी होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंटरी होता है। ये सारी चीजें यार मैंने आपको बताया हुआ बार बार रिपीटेडली यही चीजें मैं सुबह से कहने के मतलब स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहा हूँ कि चीजें कैसे होती है। इसलिए मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करते ही या फिर बेटा मैं ये जो लेक्चर जो है स्टार्ट करते ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन ये सारे फंडे क्लियर कर दिया था, ठीक है, क्योंकि इसी से ही आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसी को ही एक्सप्लेनेशन देने आना चाहिए। बस क्वेश्चन सेम आएगा, एक्सप्लेनेशन सेम आने वाली, सारी चीजें सेम आने वाली है। बस बेटा आपको जो है इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उस चीजों को अच्छे से हैंडल कर पाओ, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पाओ। आपने ये ऑब्जर्व किया बेटा कि जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सेम कंसेप्ट से सारी चीजों को सेम रखते हुए क्वेश्चंस को ही बदल दे रहा है। बस मतलब कि उसी क्वेश्चंस को बार बार रिपीटेडली घुमा घुमा के एक ही कंसेप्ट के ऊपर आए जा रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बार बार आपको चीजें यहाँ पे पूछ रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, किसी को भी दिक्कत देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करा दिया। बेटा इसको फटाफट जो अपने कॉपी के अंदर जो है लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए मैं कलर की बात करता हूँ बेटा। यहाँ पे देखो क्रोमियम जो होता है नीले कलर का होता है, जो 3+ चार्ज होता है वो क्या करता है बैंगनी कलर का होता है, जो Fe2+ चार्ज होता है वो हरे कलर का होता है। तो कुछ इस तरीके से हमको जो है कलर दिखते हैं और ये कलर के बारे में आपने कक्षा 10वीं में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है बच्चे। तो इसी प्रकार हमने पूरा का पूरा जो डी एंड एफ ऑर्बिटल था पूरा पढ़ लिए हैं। तो बच्चे अब आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले हैं बेटा। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे आपका जो है पेशेंस लेवल बहुत जबरदस्त होना चाहिए, मतलब आपको सीखने की जो हंगर रहती है, जो भूख रहती है, वो जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोड़ पाओगे। समझ में बेटा, वहाँ पे चीज़ें जो है स्पीड अप करके नहीं चली जा सकती, वहाँ पे आराम से हौले हौले तरीके से बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। बस बच्चे आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। तो अभी के लिए बच्चे ये वीडियो लेक्चर जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय बाय, धन्यवाद।